अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नज़रीन, आज की वीडियो में हम मोबाइल के इंटरनेट से पीसी में कनेक्टिविटी करेंगे। तो पीसी में मोबाइल से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वैसे तो पीसी में कई तरीक़ों से इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, जैसे इंटरनेट केबल के थ्रू और वाईफाई अडाप्टर के थ्रू, लेकिन आज हम मोबाइल के थ्रू पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक 100 मोबाइल होना चाहिए। जो ये एक मैंने मोबाइल ले लिया है, और उसके बाद एक डाटा केबल यानी कि यूएसबी केबल जो हम आमतौर पर चार्जर के साथ यूज़ करते हैं, तो वो मैंने ले ली है पीसी के साथ, वो मैंने कनेक्ट कर दी है। उसके बाद नज़रीन, कनेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पीसी में किसी कोई ना केबल के थ्रू ना वायरलेस के थ्रू कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यूएसबी केबल मैंने पीसी में लगा दी है, उसके बाद मैं ये मोबाइल के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल में लगाने के बाद हम इसकी मोबाइल सेटिंग में जाएंगे। जैसे ही आपको सेटिंग का साइन नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम ये इसको ड्रॉप डाउन करके ये जाएंगे, ये जो रेड साइन नज़र आ रहा है जिसमें वाईफाई का भी साइन है, इसमें ये लिखा हुआ है टैटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ओपन करने के बाद हम ये आपको जो यूएसबी टैटरिंग के नाम से आपको इसको हमने क्लिक किया, ये देखें ग्रीन हो गया है, इसका मतलब इंटरनेट मोबाइल के थ्रू पीसी में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये मोबाइल कनेक्टिविटी जो हो रही है पीसी में मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो देखिए पीसी कनेक्ट हो चुका है। तो नज़रीन, मोबाइल का इंटरनेट पीसी में कनेक्ट हो चुका है। तो हम अभी इसमें मैं आपको कोई यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। गूगल क्रोम को मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ। तो ये नज़रीन केबल जो है थोड़ी सी लूज़ थी, इस वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। अभी मैंने दोबारा इसको टाइट किया है। ये देखें नज़रीन, यूट्यूब हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, कोई इसमें सिग्नल का इशू नहीं आ रहा, या हमारा नेट जो है डाटा बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके बाद मैं आपको अपना चैनल सर्च करके दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए नज़रीन, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, नेट स्पीड भी अच्छी है इसकी। तो मोबाइल का ये फ़ायदा होता है कि मोबाइल हमारे पास मौजूद होता है, वो एक जैसे ये वाला वाईफाई अडाप्टर होता है, ये भी इससे भी हम नेट चला सकते हैं, लेकिन ये मार्केट से परचेज करना पड़ता है। जब हमारे पास मोबाइल मौजूद है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में आपको चला के दिखाता हूँ, जैसे आपको नेट की स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये नज़रीन, मैंने वीडियो चला ली है, तो माशाल्लाह नेट की स्पीड अच्छी है, कोई इशू नेट में नहीं आ रहा। तो नज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को एक साथ शेयर करें। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, नॉलेज थोड़ा हो ज़्यादा हो एक दूसरे से शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।